अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको ये डर है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर कैसे चलाएंगे, सब कुछ संभालेंगे कैसे. कितने केसेस हुए हैं जहाँ पे फैमिली की पूरी फैमिली ने सुसाइड कमिट कर लिया जस्ट बिकॉज कि उनकी जॉब चली गई थी, तो उसके बाद उनको था कि रेंट नहीं दे पा रहे हैं, खाना कहाँ से खाएंगे. देन पीपल दोज हु फील दैट डेफिनेटली दोज हु आर इन डिप्रेशन इट्स अ लॉन्ग टाइम, उनके दिमाग में आइदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे होंगे या फिर वो इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि अब उनको लगता है कि आइडियाज ढूंढ रहे हैं, वो लोग वेज ढूंढ रहे हैं, यू नो. एंड बाकी स्टूडेंट्स जो हम देखते हैं जिन पे प्रेशर है स्टडीज का, जिनको कॉम्पिटिटिव ज्यादा लगना है, दे आर एट मोर रिस्क ऑफ कमिटिंग सुसाइड. कितने केसेस हुए भी हैं कि रिजल्ट आने के बाद, फेल होने के बाद दे हैव कमिटेड सुसाइड. तो आई फील पीपल दोज हु आर अंडर अ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस या डिप्रेशन में है या उनकी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, पीपल अंडरगोइंग जैसे आजकल डोमेस्टिक वायलेंस काफी बड़ा हुआ है, दैट कैन बी अनदर रीजन फॉर कमिटिंग सुसाइड. ऑल दीज पीपल आर वेरी मच वल्नरेबल फॉर कमिटिंग सुसाइड. उनको लगता है कि दैट इज द इजी वे एस्केप बेसिकली फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स. See, what I feel is कि males and females, they are at equal risk for committing suicide. अब कोई भी patient, कोई भी इंसान आपसे बात करता है कि मेरी जिंदगी बेकार है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ, I have nothing to do, I have lot of pain, I have lot of suffering, and nobody is willing to listen to me. I think, as a psychiatrist, as a psychologist, we should take his words very seriously. Rather, हम उसको ignore करते हैं. His mental pain, his mental suffering keeps on increasing, increasing and increasing to some extent that he commits suicide. And who are at risk of committing suicide? You both said the patient who are in depression, any kind of prolonged stress, in lockdown, the unemployment is the main cause of suicide. And secondly, fear of getting infection and fear of being quarantined. So now the second question is, if we are talking about suicide, there must be some warning signs. So I want to know, what are the warning signs for suicide? Dr. Pratik, then Dr. Jasmine. Sure, sir. So according to warning sign, we need to be analyze the other person's thought process. कि वो कैसे बात कर रहे हैं, उनके क्या एक्टिविटी हो रही है, वो किस चीज को लेके ज्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक पर्सन कहता है कि जैसे आपने अभी बात की कि होपलेसनेस आ जाता है पर्सन के अंदर, वो वर्थफुल नहीं फील करता अपने आप को कि मैंने लाइफ में अंदर कुछ भी नहीं अचीव किया अभी तक. जब वो कंपेयर करता है अपनी लाइफ किसी दूसरे के साथ या उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो लाइफ पूरी नहीं हो पाती है, तब उसके मन में ऐसे थॉट्स आ सकते हैं. हमें उनके थॉट्स को समझना है, वो जो बात कर रहे हैं, जो चीज बोल रहे हैं, उनको समझना है कि किस व्याह पे वो ये बात कह रहे हैं. जैसे कि कोई सुसाइडल थॉट सकता है तो वो ये कहता है कि मैं रात को सोऊं और सुबह उठना नहीं चाहता, मैं सोता रहूं और सोता ही रहूं. दूसरा कोई हो सकता है वो ये कह सकता है कि अभी कुछ हो जाए, यहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए और उसके अंदर मेरी लाइफ खत्म हो जाए, किसी और को नुकसान हो, सिर्फ मुझे और मैं वापस कभी अपने आप को ना देख पाऊं. तो इस टाइप के जब थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं तो उनको इमिडिएटली किसी नियर बाय साइकेट्रिस्ट या किसी नियर बाय साइकोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए. मेडिकल हेल्प के लिए उनको फर्स्ट स्टेप लेना ही चाहिए. दिस इज माय पॉइंट सर. डॉक्टर जैस्मिन, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड? सर, कई तो बहुत क्लियर वार्निंग साइंस होते हैं. जैसे डॉक्टर प्रतीक ने भी बोला कि वो कहेगा कि मेरे को अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगती है, कुछ डिजास्टर हो जाए उसमें मैं खत्म हो जाऊं. देर आर अनदर वार्निंग साइंस ऑल्सो, जैसे कि वो इंसान अपने पोजेशंस, अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो चीजें हैं उसने इकट्ठी की हुई, वो आसपास देना शुरू कर देता है अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को. दैट इज अनदर काइंड ऑफ वार्निंग साइन दैट समथिंग इज गोइंग ऑन इन द माइंड. दूसरा, अगर इंसान को ज्यादा ही अकेला रहना शुरू कर दे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, अपनी फैमिली से तक भी बात करना बंद कर दे, यू नो, प्रेफर्स टू स्टे अलोन, उनके अंदर ये एक अनदर काइंड ऑफ वार्निंग साइन होता है. दूसरा, ये कुछ लोग एक्सट्रीम तक जाके दे स्टार्ट सेइंग गुड बाय टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स आल्सो, क्योंकि फाइन दिस माइट बी माय लास्ट मैसेज, या ये मेरा फाइनल गुड बाय है, इसके बाद शायद हम मिले नहीं,
So these are the indications that the person might be thinking of committing suicide. These are another warning signs, including what Dr. Prateek had said. Yeah, definitely I agree. The suicide is either it is an impulsive act or person is lonely. He doesn't have a purpose to live. He feels helpless. So definitely these are the warning signs. You have definitely told. आपने बहुत बड़े अच्छे तरीके से बताया है. So now the third question is, what should you do if someone tells person is thinking of suicide? यदि कोई suicide के बारे में सोच रहा है, हमें as a psychiatrist, as a psychologist, what should we do and what should we tell him? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो सबसे पहले वो अपनी फैमिली को अप्रोच करेगा, बजाय साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट के पास आने से. तो सबसे पहले उसकी फैमिली को उसकी बात को ध्यान से सुनना है, उसको टाइम देना है कि ऐसे थॉट्स उसके मन में क्यों आ रहे हैं, उसको ये सब चीजें क्यों थॉट्स के अंदर क्यों आ रही है. सबसे पहले तो फैमिली को ये चीज समझनी है, उसको ये समझे. कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की, जैसे मैम ने जैस्मिन मैम ने बात की कि स्टूडेंट्स के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, उनके अंदर प्रेशर क्यों होता है. अब कोटा के अंदर ही देख लीजिए कितने बच्चे हैं जो एवरी ईयर कमिट करते हैं सुसाइड. ओवरऑल पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर 8 लाख जो पीपल हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. इंडिया के अंदर अराउंड 1.5 लाख पीपल है एवरी ईयर जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. तो सर ये फिगर जो है बहुत बड़ा फिगर है. इसमें सबसे पहले फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. फैमिली को ये समझना चाहिए कि ऐसे थॉट्स उनके क्यों आ रहे हैं, और जब उनको लगता है कि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या ऐसे साइंस उनको दिख रहे हैं, तो इमिडिएटली उनको किसी नियर बाय साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए. फिर जब वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास आएंगे तो वो बेसिक एक केस हिस्ट्री लेंगे. उस केस हिस्ट्री के बिहाफ पे उनका एक डायग्नोस को फाइनलाइज करके उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा. ये जो प्रिकॉशंस है जो फैमिली की साइड से और हम साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल हेल्प सपोर्ट की साइड से होने चाहिए. डॉक्टर जैस्मिन, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इसमें डॉक्टर प्रतीक से, बिकॉज फैमिली को कई बार शुरू में समझ नहीं आता है. हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो तब आते हैं जब उनकी प्रॉब्लम एक्सट्रीम हो चुकी होती है. बिकॉज ये कुछ चीजें होती है जो फैमिली वाले बहुत नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि फाइन ठीक है अभी है तकलीफ में है, अभी बोल दिया इसने, इसको ध्यान नहीं देनी चाहिए बात. एंड वो कोशिश करते हैं, वो आगे से ये जवाब देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे मत सोच, कि ऐसी फालतू बातें क्यों सोच रहा है, ये सही नहीं है. तो फैमिली को पहले ही हम यू नो दैट विल कम अगर उनको अवेयरनेस हम दिलाएंगे फैमिली को. लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आता है तब वो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका होता है. या तो उसके फैमिली वाले उससे परेशान हो चुके होते हैं, या फिर वो इस एक्सटेंट तक जाग चुका होता है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया होता है, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं. तो द फर्स्ट थिंग जो हमें करना चाहिए इज टू टॉक टू द पेशेंट. पहले फैमिली वालों से भी बात करने से पहले द फर्स्ट थिंग इज टू टॉक टू द पेशेंट. या पहले उसके थॉट प्रोसेस समझो कि अगर उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, एंड वो किस लेवल तक सुसाइड को सीरियसली ले रहा है. कि अभी सिर्फ उसको थॉट्स आ रहे हैं, या फिर उसने वेज ढूंढने शुरू कर दिए हैं, या फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है. तो ये पहले पेशेंट से बात करना हमारे लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारे लिए सबसे पहले वो बहुत जरूरी है. अगर हम पेशेंट की बात को समझेंगे, उसके थॉट प्रोसेस को समझेंगे, देन ओनली वील बी एबल टू मेक अ ट्रीटमेंट प्लान, एंड देन ओनली वील बी इंक्लूडिंग द फैमिली मेंबर्स. कि पेशेंट इज गोइंग थ्रू ऑल दिस, उसके दिमाग में ये चल रहा है, सो दिस इज द प्लान विच वी हैव टू फॉलो. पहले सबसे पहले पेशेंट से बात करना जरूरी है. सी डेफिनेटली पेशेंट से बात करना जरूरी है, पेशेंट के स्ट्रेस को समझना जरूरी है, पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री लेना जरूरी है, पेशेंट्स के जो ड्यूरेशन ऑफ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको समझना जरूरी है, पेशेंट की पर्सनालिटी को असेस करना और उसके इम्पल्सिविटी चेक करना जरूरी है. हमें बहुत से फैक्टर्स को असेस करना है. देन वी नीड टू टॉक टू द पेशेंट फर्स्ट, देन अवेयरनेस टू द पेशेंट एंड टू द फैमिली. कभी कभी क्या होता है कि एट टाइम्स पेशेंट अंडरस्टैंड बट फैमिली डजंट, सो ट्रीटमेंट या काउंसलिंग इम्प्रॉपर सी रह जाती है. तो डेफिनेटली अवेयरनेस अबाउट सुसाइड, अवेयरनेस अबाउट सुसाइड टू द पेशेंट डेफिनेटली इज इम्पॉर्टेंट, ताकि उसकी जान बचा. डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि उसको सपोर्ट सिस्टम दे, अदरवाइज द पेशेंट विल डेफिनेटली लैंड अप इन कमिटिंग सुसाइड. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इफ समवन सीम्स सुसाइडल ऑन सोशल मीडिया?
सोशल मीडिया में बहुत से लोग आजकल जैसे टीनेज या जैसे हम देखते हैं 20 प्लस भी जो आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में हैं, दे पुट सम ऑफ द पोस्ट आइदर आफ्टर ब्रेकअप आइदर आफ्टर सम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और सम ऑफ द अदर रीजन. तो यदि इफ समवन इज सुसाइडल ऑन सोशल मीडिया तो हमें क्या करना चाहिए? सर बेसिकली इन दैट सिनेरियो हमें सबसे पहले तो उस कंटेंट को हमें उस फेसबुक है या इंस्टाग्राम है कोई भी सोशल वेबसाइट है उसके ऊपर अगर कोई वो ऐसा पोस्ट आता है तो हमें सबसे पहले उस पोस्ट को रिपोर्ट करना है फेसबुक साइट या इंस्टाग्राम में और आफ्टरवर्ड उस पर्सन के साथ हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करनी है और उसको एक सही गाइडलाइन दे के उसको एक सही पाथ पे लेके आने की कोशिश. तो जो भी इसमें हो सकता है तो हमें सबसे पहले तो उस पर्सन को फाइंड आउट करके उसको एक सही ट्रैक पे लेके आना है कि ऐसे कमेंट क्यों हो रहा है. हमें चैटिंग शुरू करें उससे, चैटिंग करने के बाद उससे उस चीजों के बारे में अवेयर करवाया कि अपनी लाइफ में देखें, अपने पास्ट को जाके देखें कि आपने क्या क्या अचीव किया है लाइफ के अंदर. जब एक छोटी सी डिसीजन की वजह से, एक छोटी सी फेलियर की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ यहाँ रुक गई है, अब अभी आपके सामने और भी कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनको आप ग्रैब्स कर सकते हो. सिर्फ यही एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी आपके सामने. आप एक एग्जांपल लीजिए क्रिकेट का. क्रिकेट के अंदर कितनी बॉल्स होती हैं, अगर एक बॉल मिस होगी, दो बॉल मिस होगी, तीन बॉल मिस होगी, पांच बॉल मिस होगी, लास्ट बॉल पे अगर सिक्स लग गए तो वो फाइव बॉल्स को कवर अप कर लेगा. तो बेसिक ये चीजें हैं कि हमें ये समझना है कि लाइफ में सिर्फ यही एक अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारी, तो हमें इससे आगे भी जाना है. सर सबसे पहले तो जैसे कहा गया कि रिपोर्ट करना है इस चीज को, अगर ऐसा कुछ कंटेंट आ रहा है तो उस चीज को रिपोर्ट करना चाहिए. दूसरा, अगर हमें उसके प्रोफाइल पे एक्सेस है तो उसके क्लोज वंस जो अगर उसके फ्रेंड्स हैं उसके अंदर क्लोज फ्रेंड्स जो हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए कि अगर उस इंसान के दिमाग में ऐसा कुछ है तो his or her friends should not leave him or her alone at that time. उसके साथ एक रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहें. अगर उसकी फैमिली है उस सोशल मीडिया पे के पोर्टल पर तो उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको बताना है कि ऐसा कंटेंट देखा जा रहा है तो प्लीज बी केयरफुल. बिकॉज मैंने जो सुसाइड केसेस में देखा है द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज नॉट टू कीप इट अ सीक्रेट. बिकॉज पेशेंट जो है वो कहेगा कि अच्छा ठीक है मेरी ये सब प्रॉब्लम्स है लेकिन आप आगे किसी और से डिस्कस मत करना, मैं सुसाइड कमिट करने की सोच रहा हूँ लेकिन आप किसी और को बताना मत. लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज यूजुअली दे कीप इट एज अ सीक्रेट कि चल ठीक है उसने हमारे साथ कुछ शेयर किया है एज अ एथिकल और कॉन्फिडेंशियल के मैटर से हमें आगे नहीं बताना. बट दीज आर सर्टन थिंग्स विच हैव टू बी रिपोर्टेड. अगर उसने हमें उनके फ्रेंड से कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपसे कभी पर्सनली उसने कभी कुछ ऐसी बात कही है, और अगर कही है तो देन वी शुड एक्सप्लेन टू द फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स कि आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना इस टाइम पे. बिकॉज द पर्सन इज पोस्टिंग सच कंटेंट ऑन द मीडिया दैट मीन्स द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट डूइंग इट. दिस इज व्हाट आई फील शुड बी डन. जी डेफिनेटली रिपोर्ट करना जरूरी है, पर इन केस डॉक्टर प्रतीक एंड डॉक्टर जैस्मिन जैसे हमने बोला कि रिपोर्ट करना जरूरी है एंड पर्सन कमिट सुसाइड, देन व्हाट विल बी द प्लान? लाइक द पर्सन हैज पोस्टेड आई एम कमिटिंग सुसाइड, देयर आर पीपल हु पोस्ट वीडियो कि भाई मैं अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता हूं, आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेसेस, आई हैव नो मीनिंग, आई एम कमिटिंग सुसाइड एंड ही कमिट्स इट, एंड अगर वो आपके असेस में नहीं है तो हाउ विल यू अप्रोच एंड देन हुम टू अप्रोच एंड हाउ विल यू अप्रोच? So first, though, I think it should be taken up to the police. It will be taken up by the police. Wo matter hi kuch aur ho jata hai. But then, if the person has already committed suicide, agar wo on the verge of committing suicide bhi hai, even if the person is at that point, then also we can inform the police and they can go up to that person's house and track karke usko jaake rok sakte hain. So, that is another way of reaching up to that person. What I feel is, Dr. Pratik, sir, basically, mostly, हर केस के अंदर हमें Facebook हो या Instagram हो, हमें अगर कोई unknown ऐसा कोई content मिलता है, तो हम उसको personal एक message drop कर सकते हैं. हम उससे ये पूछ सकते हैं कि आपके ऐसे thoughts क्यों आ रहे हैं. हम उसे एक friendship का एक helping hand बढ़ा सकते हैं ताकि वो इस track से change करके अपने normal track पे आ सके. तो ये एक अप्रोच हो सकती है कि हम उसे कॉन्टेक्ट करें.
और उसको सही चेक कर लेके आ दे। So my next question is, can asking about suicide to the person increases the danger of suicide? Sir, ये एक मिथ है कि जो ask पूछ रहा है तो वो danger भी आए। एक मिथ भी कह सकते हैं कि इसको ये भी concern कर सकते हैं कि हमें इस thought को seriously लेना है। अगर उसके mind में ऐसा thought है जो ask कर रहा है, जो question ऐसा put up कर रहा है, तो हमें उसको इस thought को seriously लेना है। वो हो सकता है कि ये स्टेप ले भी ले। तो इसमें बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो पूछेगा सिर्फ वो ही रिस्क फैक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। जो नहीं पूछ रहा वो भी हो सकता है। बेसिकली हमें उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। जो सबसे बड़ा टास्क जो है वो फैमिली मेंबर के लिए आएगा, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि फैमिली को ही इस चीज के बारे में अवेयर होगी। क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट, हम लोग उनके साथ 24 आवर्स तो रह नहीं सकते। और वो पर्सन क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसकी कैसी नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल नेचर है, उसको हम एनालाइज तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें फैमिली उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताती। तो यहाँ पे एक यही पॉइंट मैं लेके आऊंगा कि जो पूछ रहा है, जो नहीं पूछ रहा है, उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना इज काफी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम दोनों को ही सीरियसली लेंगे, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए, सिर्फ उसकी थॉट को ऑब्जर्व करते हुए नहीं लेंगे, दोनों चीजों को ही हम कंसिडर करेंगे। डॉक्टर जैस्मिन, सर, पूछना चाहिए अगर कोई एक हमें लग रहा है कि इफ अ पर्सन इज एट रिस्क ऑफ कमिटिंग सुसाइड, सो इट गेट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू टॉक टू दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि हमें उसका, अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमें उसका थॉट प्रोसेस समझ में आ जाता है, हमें उसका लेवल ऑफ थॉट कि उसने किस एक्सटेंट तक सोच लिया है सुसाइड कमिट करने का, वो हमें समझ में आ जाता है। दूसरा, अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम उससे बात करेंगे सुसाइड के बारे में तो उसका सुसाइड कमिट करने का रिस्क और बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रादर इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेशेंट टू ओपन अप टू यू। हो सकता है कि आज तक उसे ऐसा फील होता हो कि मुझे कोई सुन नहीं, समझ नहीं रहा है, मुझे कोई सुन नहीं रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट कि वो सुसाइड क्यों कमिट करना चाहता है, वो क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स हैं उसकी, तो द पर्सन माइट फील दैट ओके फाइन, मुझे कोई मिला है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, कोई मेरे को सुनेगा, मुझे समझेगा। तो मे बी दैट पर्सन माइट ओपन अप अबाउट हिज प्रॉब्लम्स टू यू, अपना पूरा आपको प्रॉब्लम, अपना पूरा बैकग्राउंड आपको बता सके, आपको ये बता सके कि उसने सुसाइड के बारे में किस हद तक सोच लिया था। एंड मे बी शायद एक बारी बात करने पे ही उसका वो सुसाइड वाला पॉइंट थोड़ा सबसाइड हो जाए। तो टॉकिंग अबाउट सुसाइड टू द पेशेंट डज नॉट इंक्रीज द रिस्क, रादर देयर आर चांसेस टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ कमिटिंग सुसाइड। या डेफिनेटली आई आल्सो फील कि भाई अगर हम किसी से उसकी सुसाइड की हिस्ट्री लेंगे या डिप्रेशन की हिस्ट्री लेंगे, डेफिनेटली चांसेस होते हैं सुसाइड कम होने के। अदरवाइज यदि हम नहीं उससे हिस्ट्री लेंगे, यदि हम उससे नहीं बात करेंगे, तो चांसेस है कि उसका जो मेंटल पेन है पाइल अप होते होते ही लैंड अप इन हैविंग हिज लैंड अप इन यू नो कमिटिंग सुसाइड। सो बहुत सी बार पेशेंट्स को हमें आई थिंक इट इज फिजिबल टू आस्क देम, भाई आपका मरने को मन तो नहीं करता है, कभी कोई वैसे विचार तो नहीं आते हैं? तो कभी कभी देखिए एवरी पेशेंट कहते हैं हमें कभी कभी तो आते हैं, पर कभी कभी दे इग्नोर इट। तो आई डोंट थिंक कि इग्नोरेंस भी अबाउट द सुसाइड इज यू नो फिजिबल। So talking about suicide definitely decreases the chances and definitely we can save his life. So now in lockdown, what are the factors which have increased the suicide in lockdown? What are the factors? Dr. Jasmine and Dr. Pratik. So the factors basically jo dekhe ja rahe hain, first is fear of getting infected. Abhi kitne Delhi mein Safdarjung hospital mein case hua tha, जिसको COVID-19 पॉजिटिव आया था एंड द पर्सन जंप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग राइट आफ्टर जब उसको क्वारंटीन फैसिलिटी में लेकर गए थे। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स दीज डेज, फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड ऑफ द वायरस। सेकेंड मेजर रीजन इज दैट पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स। कितने ही जने हैं कि दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वेयर दे वर वर्किंग टू देयर care of the expenses that are going to come.
these are the major reasons. Last is domestic violence. Lockdown में वो भी देखा है. जैसे मैं कल ही पढ़ रही थी, लुधियाना का डेटा बहुत बढ़ गया है. पहले लॉकडाउन में, लॉकडाउन से पहले देवर डोमेस्टिक वायलेंस के 850 केसेस थे. अब लॉकडाउन के दौरान इट हैज रीच टू 1500 केसेस. दैट इज अनदर रीजन ऑफ कमिटिंग सुसाइड. These are the factors that are playing during lockdown. Dr. Pratik, what are the factors which have increased the suicide during the lockdown period? Do you want to add something? I totally agree with Dr. Jasmine. उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा सर. सबसे पहले तो उसको person का ये है कि एक fear है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ. जो उसका daily routine activity थी वो disturb हो गई है. उसका office में जाना या उनका कहीं बाहर में जाना, बच्चों का बाहर घूमना, अब वो क्या है, वो घर में एक साथ रह तो रहे हैं लेकिन अभी भी वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे. अरे आप लोग बाहर जाने की जो एक्टिविटी कर रहे थे, जो आपका रूटीन था, वो घर में भी तो वैसा शेड्यूल बनाओ जिसकी वजह से इस फैक्टर को हम कम कर सके. सुसाइडल फैक्टर अटेम्प्ट क्यों हो रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स क्यों बढ़ रहे हैं, दे आर बिकॉज ड्यू टू द डिप्रेशन. लॉकडाउन की वजह से काफी लोग जो है डिप्रेशन के अंदर, एक अननोन फियर के अंदर चले गए हैं, आने वाले कल को लेकर फियर में चले गए हैं, जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसी बढ़ सकती है. तो आई टोटली एग्री विद डॉक्टर जैस्मिन. जो अभी देखने को आ रहा है, बिकॉज कुछ डेटा आ रहा है कि अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन के जो लोग थे, इवन दे आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज उनको लॉकडाउन के दौरान दे वर नॉट गेटिंग द अल्कोहल और द ड्रग्स, उनको प्रोवाइड नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे. सो दैट वॉज ऑल्सो अनदर रीजन ऑफ कमिटिंग सुसाइड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. So definitely during lockdown stress hai logo ko of infection. Number two, there is an unemployment definitely. And you also said domestic violence definitely. Khali India mein hi nahi, domestic violence even abroad mein bhi kafi had tak increase hua hai. So I think these are the main risk factors which have increased the suicide. And definitely your depression hai logo ka kafi had tak badh bhi chuka hai, which has also tremendously increased the rate of suicide. So is there any history of long standing mental illness in case of suicide? Yadi koi insaan suicide karta hai, so is there any history of long mental illness? Dr. Jasmine then Dr. Pratik. So suicide mein again jaise maine pehle bhi kaha tha ki sometimes it is an impulsive decision. Like if I take an example, agar koi ek student hai, you know, fail ho gaya hai, so ek impulsive decision aata hai ki everything is over. So kai bari it is an impulsive decision and kai bari there is a long standing mental illness behind it. Maybe it is depression, maybe it is schizophrenia, maybe usko command mil rahe hain ki you know kill yourself. That can be another reason of committing suicide. So both are present, either mental illness, prolonged mental illness, or it can be an impulsive decision also out of anger. Gussa aaya hai, ghar walon se jhagda hua, gussa aaya, to maybe you know just to teach the family members a lesson, the person tries to commit suicide and usi chakkar mein the person succeeds also. So both the ways, both factors are, both the reasons are there behind suicide. Dr. Pratik, can you repeat the question please? The question is there any history of long standing mental illness associated with suicide? Yes sir, long term agar mental illness ki koi history rahi hai to wo suicide commit karne mein uske chances ko increase kar sakta hai. Jaise ki humne pehle shuruaat mein hi baat ki ki depression hai jo sabse bada factor hai jiske andar person ko hopelessness ki feeling hoti hai, worthlessness ki feeling hoti hai, usko lagta hai ki life mein usne abhi tak kuch achieve nahi kiya, to jiski aise thoughts ki wajah se suicidal tendency increase ho jati hai. Ji sir. So Dr. Pratik ke ek shayad question aaya hai, please I think we should answer that. Yes sir. Question hai sir, if the family is not comfortable to talk to psychologist, then what to do? Dr. Jasmine. If the family is not comfortable, what about the patient? If the patient is ready to come to the psychologist or the psychiatrist, this is about the family. So family ko baad mein convince, matlab agar sessions ke dauran convince kiya ja sakta hai, but what about the patient? Uh,
एक्चुअली मैम फैमिली अगर या प्लीज जी 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 कंटिन्यू प्लीज सॉरी आप बताइए सर एक्चुअली मैम यहाँ पे जो क्वेश्चन आया दे आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली इज नॉट कंफर्टेबल टॉक विद साइकोलॉजिस्ट तो बेसिकली सबसे पहले तो हमने ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है वो इसी के लिए आई गॉट द रिस्पांस पेशेंट इज रेडी टू टॉक सी पॉइंट इज फैमिली का हो सकता है कोई टैबू हो इफ द पेशेंट इज रेडी टू टॉक देन आई थिंक द पेशेंट शुड कम टू द साइकोलॉजिस्ट एंड टॉक टू देम फैमिली को बाद में यू नो अगर इफ द पेशेंट फील्स गुड इफ द पेशेंट इम्प्रूव्स दैट विल बी अ प्रूफ टू द फैमिली दैट ओके फाइन साइकोलॉजिस्ट और द साइकाइट्रिस्ट इज हेल्पफुल तो ऑटोमेटिकली और यू नो आउट ऑफ एनी बाउंडेशन मे बी दे विल कम टू द साइकोलॉजिस्ट लेटर ऑन बट जैसे ये बता ही दिया इन्होंने कि पेशेंट इज रेडी टू टॉक That is a good sign. That is a good thing. Usually, ये देखा जाता है कि family ready होती है, patient ready नहीं होता है. True. So, if the patient is a major, is an adult, the patient can come up to the psychologist himself or herself. Thank you. Dr. Pratik. Sir, अगर family ready नहीं है, patient ready है, तो हमें तो पहले patient के साथ ही workout करना, जैसे Dr. Jasmine ने पहले भी बताया था कि हमें patient के साथ बात करनी है main. Family members secondary में आते हैं. तो हमें तो पेशेंट के इस थॉट को समझना है कि ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं अगर वो फैमिली से रिलेटेड थॉट्स हैं कि फिर फैमिली की कोई डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से है या फैमिली प्रेशर की वजह से है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का क्या होता है बॉय है तो या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा अरे उसके अपने भी तो ड्रीम्स है वो कुछ और करना चाहता है वो किसी और चीज में ज्यादा एक्टिव है वो हो सकता है एथलीट्स में हो वो स्पोर्ट्स में हो सकता है तो ऐसी कई चीजें हैं जो फैमिली का प्रेशर होता है उसकी वजह से पेशेंट सफर कर रहा होता है और फैमिली मेंबर उसको कहते हैं कि ये आम बात है ऐसा होता रहता है कि आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो दो दिन के बाद अब सब ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला कोई मैजिक बैंड नहीं है कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं थी घुमाया और सब ठीक हो जाएगा अपने आप से कुछ ठीक होने वाला नहीं है हमें खुद एफर्ट्स करना पड़ेगा हमें खुद स्टेप उठाना पड़ेगा और अगर पेशेंट टॉक करने के लिए रेडी है अगर रेडी है वो सेशन लेने के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए तो डेफिनेटली पेशेंट खुद आए और कंसल्ट करे और अपने सर यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के अंदर काफी सेलिब्रिटीज हैं जो आजकल सुसाइड कर रहे हैं जैसे रिसेंटली कल की ही न्यूज में एक और कल भी किसी ने किया है और रिसेंटली भी सुसाइड किया है तो बताइए डॉक्टर साहब डॉक्टर जैस्मिन सेलिब्रिटीज का जो कल भी जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है दैट इज समीर शुक्ला ही वाज अ टीवी एक्टर एंड ही वाज अ ही यूज्ड टू वर्क इन सीरियल्स ऑल्सो तो बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको कोई काम नहीं मिल रहा है विच इज अगेन अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स टू डू जिसकी वजह से दे आर कमिटिंग सुसाइड एंड द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट दे लिव उस लाइफ स्टाइल से नीचे आना उनको मुश्किल लगता है Exactly. अब कितने सेलिब्रिटीज हैं एक सेलिब्रिटी है जो सीरियल्स में आती थी नाउ दैट पुअर लेडी इज सेलिंग राखीज टू अर्न मनी उनका कितना ज्यादा फेसबुक पे उनका बहुत ज्यादा आया था कि वो सीरियल्स में आती हैं बट नाउ जस्ट टू अर्न मनी शी सेलिंग राखीज होममेड राखीज तो सेलिब्रिटीज के साथ ये इशू आ रहा है सेम एज द अदर पीपल आर फेसिंग द इश्यूज अनएम्प्लॉयमेंट डॉक्टर प्रतीक ओके ओके सर बेसिकली यहां पे देखा जाए तो सोसाइटी प्रेशर है अपने लिविंग ऑफ स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए एक ये रीजन हो सकता है हम ये नहीं कहते जिन्होंने भी कमिट किया है या कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है तो यही रीजन होगा हम ऐसा नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं एक ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कि सोसाइटी का प्रेशर अपने लिविंग ऑफ स्टेटस को मेंटेन रखने का एक ये रीजन है 4.5 लाख सुशांत सिंह राजपूत का मंथली रेंट जाता था उनका तो वो 4.5 लाख इज नॉट इजी फॉर अ कॉमन मैन मंथली उसकी अर्निंग नहीं होती इतनी है वो 1 लाख की अर्निंग होती है
तो इज दैट सिनेरियो अपने लिविंग ऑफ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, ये सब चीजें हो सकती हैं। So, Dr. Jasmine, you want to add? We have still 1 minute to go. Then we'll end the meeting. So, I think सारे points तो वैसे discuss हो ही चुके हैं suicide के regarding, but still, I think suicide still needs to be awareness उसके बारे में और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, because I think people are taking it up as a fashion also these days, because एक के बाद एक daily basis पे हमें किसी ना किसी के suicide commit करने की news मिल रही है. So, you know, I don't know whether people are trying to take it up as a escape thing from their stress. Yeah, they are thinking, okay, fine, hum kuch naya try kar rahe hain, what is happening? Then suicide actually needs more awareness. True. Yeah, definitely I feel suicide needs awareness. So I'm really thankful to both of you for giving me your time, in Laura and specifically Dr. Jasmine, for giving us a time. And he was a very hard working counselor when she was in Manas Hospital. So I'm ending this Zoom meeting. So thank you so much, and thank you the audience who have joined us. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.